आज हम बनाएंगे एक नई रेसिपी। तो उसके लिए मैंने एक आम लिया है, एक 200 ग्राम का आम है। तो मैंने एक बढ़िया पका हुआ एक आम लिया है और ये दही, ताजी दही है घर की जमाई हुई, और इसको मैंने फेट भी लिया है। तो देखिए, खट्टी दही नहीं होनी चाहिए। जो हम रेसिपी बना रहे हैं, डिश बना रहे हैं, उसके लिए खट्टी दही बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यदि खट्टी दही होगी तो आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। तो सबसे पहले इस आम को हम छील लेते हैं। आपको पतला पतला छीलना है। तो आप ऐसे देखिए, ज़्यादा पका हुआ है आम, मीठा है, तो हम इसे पूरा छील लेंगे इस तरह से। देखिए, तो ऐसा पूरा छील के हम फिर आगे आपको दिखाते। ये पूरा आम छिल चुका, तो अब इसकी हम कटिंग करेंगे। बढ़िया पका आम होना चाहिए इसके लिए, जो हम रेसिपी बना रहे हैं। तो देखिए, इसे पहले तो हम ऐसे काट, ऐसे क्या होता है जल्दी कट भी जाता है, और लीजिए बढ़िया से पीस भी हो जाते हैं। बढ़िया आम है पका हुआ। तो लीजिए, इसी तरह इसका हमने सारा फल निकाल लिया। तो इनको हम, ये छोटे छोटे पीस हैं, इनको हटा देते हैं। कुछ ये बड़े बड़े पीस हैं, देखिए, तो इनको हम अलग करेंगे। हमें थोड़ा ही ऐसा चाहिए था, जो छोटे बड़े कैसे भी करके हम इनको रख लेंगे। तो लीजिए, ये हमारा आम का पूरा इतना ही चाहिए था, तो इतना मैंने अलग कर दिया। अब इसको हम पीस लेते हैं। ये मैंने बाकी का फल मैंगो का पीस लिया था, फिर डाल दिया हमने इसमें। हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें हमें कुछ मसाले डालने हैं थोड़े से। तो ये मैंने चाट मसाला, होम मेड है चाट मसाला है, इसको डाल दिया है हमने 1 चम्मच। और ये जीरा पाउडर, भुना जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, इसको भी डाल दिया है। नमक आप डालें ध्यान से, चाट मसाला में भी नमक होता है, तो मैंने ये स्वाद अनुसार काला नमक डाला है। आप चाहें तो इसमें रेगुलर नमक भी डाल सकते हैं। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू, पिस्ता, इनको भी मैंने डाल दिया 2 चम्मच। मेरे पास कटे हुए रखे थे इसलिए मैंने डाल दिए, ऑप्शनल है। आपको डालना हो तो आप डाल सकते हैं, आपको नहीं डालना हो तो आप ना डालें। ये जो मैंने कुछ आम पीस करके रखे थे वो भी हम डाल देते हैं, और हम इन्हें मिक्स करते हैं। लीजिए, और हम डालेंगे इसमें हरा धनिया। आपको इसमें हरी मिर्च डालनी हो तो आप इसमें हरी मिर्ची डाल सकते हैं, पर मैंने इसमें हरी मिर्ची नहीं डाली है। और हम डालेंगे कुछ ये अनारदाने। लीजिए, हमारा रायता ही बनके तैयार हो गया है। हमारे घर में मेहमान आ जाते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि हम जल्दी जल्दी, एक ही हमारे यहाँ सब्ज़ी बननी होती है, दाल सब्ज़ी जो भी, तो दूसरी हम बनाने में, हम कैसे बनाएं, उनके पास टाइम नहीं होता है, तो हम बस ऐसे ही बना लें। अपने गर्मियों में सबके पास दही होता है, हर किचन में दही रखा रहता है, तो आप दही आम भी होते हैं सभी फ्रिज में, सबके यहाँ फ्रिज में, तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। लीजिए, एक सब्ज़ी होगी और आपका ये रायता बढ़िया फटाफट बनने वाला है, और नया रायता, मैंगो रायता आज तक किसी ने नहीं बनाया होगा, ये पहली बार है यूट्यूब पर। तो आपको याद दिला दूँ, लाइक और शेयर फ्री में होता है, जो आपको ज़रूर करना है। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप वो भी कर सकते हैं, करें, ताकि मैं जो भी नई नई वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। इसमें मैंने जो भी पिस्ता बादाम डाला है, काजू, ऑप्शनल है, आपको डालना हो तो आप डाल सकते हैं। देखिए, हमारा कितना बढ़िया टिम टैंग रायता बनके तैयार हो गया है। तो आप भी ऐसा रायता बनाइए और अपने ड्राइंग टेबल की सुंदरता और मेहमानों को खुश करिए। लीजिए, हमारा ये पहली बार यूट्यूब पर मैंगो रायता पहली बार बन के तैयार हुआ। प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज हम बनाएंगे नए तरीका का मैंगो रायता। चलिए चलते हैं आगे।